देखा वही चीज़ मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ, जिस तरह से आपने थंबनेल में देखा कि किस तरह से हम अपने हाथों में आग लगा सकते हैं, वो भी जो कि बिल्कुल सेफ तरीका है, उसी तरीके को मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने हाथों में आग किस तरह से लगा सकते हो। तो वीडियो में आज की बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में जो कुछ भी दिखाया गया है पूरी सेफ्टी के साथ किया गया है, तो आप ऐसा कुछ बिगड़ता करने की कोशिश मत कीजिएगा, अगर करना ही है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों उसके लिए आपको जो आपने देखा थंबनेल में वैसे उस तरह से अपने हाथों में आग लगाने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी कुछ इस तरह की एक सैनिटाइज़र की, जिसका यूज़ हम अक्सर अपने हाथों को साफ़ करने के लिए यूज़ करते हैं। इसका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है, और आपको बस इस सैनिटाइज़र की ज़रूरत होगी। मेरे पास ये डेटॉल का सैनिटाइज़र है, देख सकते हो आप। कोई भी सैनिटाइजर आप यूज़ कर सकते हो, लाइफ बॉय हो, सेवलॉन हो, कोई भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन मेरे पास डेटॉल था तो ये डेटॉल से काम कर रहा है जो ये ट्रिक है। हो सकता है आपके पास जो भी सैनिटाइज़र है उससे काम ना कर पाए। तो अब आपको मैं बताता हूँ आपको करना क्या है। तो आपको सिंपली क्या करना होगा, थोड़ा सा आपको सैनिटाइज़र जो है किसी सरफेस पे यानी कि किसी जगह पर आपको रख डाल लेना होगा। जैसे मेरे पास यहाँ पर टेबल है, मैं टेबल के ऊपर थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा सैनिटाइज़र डाल देता हूँ। देखिए कुछ इस तरह से, तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा जो है सैनिटाइज़र टेबल के ऊपर डाल दिया, आप देख सकते हो ध्यान से। अब हमें क्या करना होगा, इसके पास कोई जलती हुई चीज़ या फिर अब माचिस या फिर किसी लाइटर का यूज़ करना है और इसके पास लेके जाना है। देखिए कुछ इस तरह से, मेरे पास लाइटर है तो मैं लाइटर का यूज़ करूँगा और इसके पास ले जाऊँगा और ये एकदम से ही आग पकड़ लेगा। देखिए कुछ इस तरह से, दोस्तों देख सकते हो आप, इसने आग पकड़ ली है। शायद आप ना देख पाओ क्योंकि ये कैमरे में कभी कभी नहीं दिख पाता, लेकिन मैं आपको इस एक चीज़ कर आपको टेस्ट करके दिखा देता हूँ। ये देखिए जैसे मैं अपना लाइटर जो है इसके पास लेके जाता हूँ, एक मिनट, ये देखिए ये आग पकड़ लेता है, यानी कि जो लाइटर में से जो गैस निकलती है वो एकदम से ही आग पकड़ देती है। देखिए ये देखिए कुछ इस तरह से जो है ये आग पकड़ लेता है। तो दोस्तों अब चलिए थोड़ा सा सैनिटाइज़र, थोड़ा सा हैंड सैनिटाइज़र इस यहाँ पर थोड़ा सा और डालते हैं और फिर देखते हैं हमें क्या देखने को मिलता है। मैंने यहाँ पर आप देख सकते हो तो कितना सारा सैनिटाइज़र इसके ऊपर डाल दिया। चलिए अब इसको जला कर देखते हैं अपने लाइटर से। ये बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है क्योंकि ये भी एक तरह का जो ये सैनिटाइज़र होता है ये भी एक तरह का इनफ्लेमेबल ही होता है। उसके बारे में आपको आगे बताता हूँ कि क्यों होता है इनफ्लेमेबल। अब देखिए इसने ये आग पकड़ ली मुझे लग रहा है। ये देखिए इस एकदम से हमारा जो लाइटर में से जैसे मैं गैस को रिलीज़ करता हूँ ये एकदम से आग पकड़ देता है। देखिए ये देखिए किस तरह से जो है आग पकड़ रहा है। अब आपको मैं प्रूफ दिखाता हूँ, एक जलती हुई एक पेपर में आपके पास लेके जाता हूँ, दिखाता हूँ कि ये सच में जल रहा है। ये देखिए मैं फिर से जला देते हैं, ये देखिए देखिए जल गया ये। एक बार फिर से हम इसको एक और बार जला कर देते हैं। ये मैंने इसको जला दिया, जो थोड़ा सा सैनिटाइजर और डाल देते हैं इसके ऊपर, आपको मैं एकदम क्लियरली दिखाऊंगा। देख सकते हो मैंने इसके ऊपर ढेर सारा सैनिटाइजर डाल दिया। अब इसके ऊपर इसके पास हम लाइटर लेकर जाते हैं जलता हुआ, और आपको दिखाता हूँ विद प्रूफ कि ये सच में आग पकड़ता है। आप देख सकते हो इसने आग पकड़ी, उप्स मेरा हाथ जल गया, इतनी तेज़ तेज़ी से आग पकड़ी। देखिए देखिए किस तरह से जो है आग पकड़ रहा है, देख सकते हो आप कितनी, शायद आप नहीं देख पाओगे लेकिन ये आग जो पकड़ रहा है। ये देखिए ध्यान से देखना, यहाँ पर मैंने पेपर है, यहाँ पर कुछ भी नहीं जल रहा है इसमें। अब देख सकते हो यहाँ पर शायद आप ना देख पाओगे ये जल रहा है या फिर नहीं। जैसे मैं इसको इसके पास लेकर जाता हूँ ये तुरंत ही आग पकड़ रहा है। देखिए मैं इसके पास लेकर गया और इसने आग पकड़ ली, ये देखिए कुछ इस तरह से। तो दोस्तों यही होता है जब हम सैनिटाइज़र को कहीं पर किसी भी सरफेस पर डालते हैं, ये अभी भी जल रहा है, ये देख सकते हो आप, ये अभी भी इसमें आग लगी हुई है, ये देखिए। तो जैसे ही हम सैनिटाइज़र को किसी भी सरफेस पर डालते हैं तो कुछ इसी तरह से हमें देखने को मिलता है, यानी कि वो कुछ इसी तरह से जो है सैनिटाइज़र आग पकड़ लेता है, जैसा हम यहाँ पर जल रही है आग। तो यही होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। यार देखो जो ये सैनिटाइज़र होता है, जो हैंड सैनिटाइज़र जो होता है,
इसके अंदर यूज़ किया जाता है इसको बनाने के लिए, यानी कि इसके अंदर जो चीज़ यूज़ की जाती है वो होता है अल्कोहल। यानी कि जो दोस्तों ये जो सैनिटाइजर होते हैं, यानी कि जो जो हैंड सैनिटाइजर होता है जैसे मेरे पास डिटॉल का है, इनके अंदर यूज़ किया जाता है अल्कोहल का। जैसा आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स में लिखा हुआ है कि यहाँ पर कौन से मतलब केमिकल, जो आप देख सकते हो यहाँ पर अल्कोहल, यहाँ पर अल्कोहल लिखा हुआ है। और अल्कोहल जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा इनफ्लेमेबल है, यानी कि अल्कोहल काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से आग पकड़ता है। अब जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हो, इसने अभी भी आग पकड़ रही है। अब देख सकते हो हमारा सैनिटाइजर किस तरह से उसके अंदर बबल्स बन रहे हैं, आप देख सकते हो कुछ इस तरह से हमारा आग पकड़ता है, क्योंकि इसके अंदर सैनिटाइजर होता है, सैनिटाइजर के अंदर अल्कोहल होता है, इसलिए ये आग पकड़ देता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैम तो आप सभी नेक्स्ट वीडियो में।